जय माता दी जी। ये देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और ये साथ में भगवान शिव शंकर का मंदिर। और अभी हम चल पड़े हैं घर को। थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है, ज्यादा तो नहीं लगी है। जय माता दी। बे मन मोने बालक नाथा वे तू कदो बुलावेगा, बेमन मोने बालक नाथा वे तू कदो बुलावेगा, बेमन मोने बालक नाथा वे तू कदो बुलावेगा। वो एक चिमटा बनाया ओ बाबा तेरे नाम दा, वो भी मंदिर चढ़ाया ओ बाबा तेरे नाम दा, वो एक चिमटा बनाया वो बाबा तेरे नाम दा, वो भी मंदिर बजाया वो बाबा तेरे नाम दा। बेमन मोणिया, बेमन मोणिया बालक नाथा वे तू कदो बुलावेगा, वो तेरा शातड़ाया डेरा वो बाबा कदो बुलावेगा, वो तेरा साथड़ा या डेरा वो बाबा कदो बुलावेगा। तो मैंने आपको बाबा बालकनाथ जी का भजन सुनाया, बहुत प्यारा भजन है। वो एक रोट चढ़ बनाया वो बाबा तेरे नाम दा, वो एक रोट बनाया वो बाबा तेरे नाम दा, वो भी मंदिर चढ़ाया वो बाबा तेरे नाम दा। वे मन मोणिया, वे मन मोणे बालक नाथा वे तू कदो बुलावेगा, वे मन मोणे बालक नाथा वे तू कदो बुलावेगा। तो ये आपको अपना मैंने टेढ़ा मेढ़ा सा रोड भी दिखा दिया, बस साथ में ही अभी वो कटिंग वाले जो दुकान है भैया की, वो साथ में ही है, दिखाते हैं आपको। तो ये है वो सैलून, कुछ भी बोल लो, बाल काटने वाले की दुकान या कुछ भी। तो ये मतलब अभी इन्होंने बहुत अच्छी इसको डेकोरेट किया है, पहले छोटी सी होती थी कच्ची, जो अंदर मैं दिखाऊंगी। मैं एक लड़का बैठा, उसके दादाजी बैठते हैं, कभी इसके पापा जी बैठते हैं। देखो अभी इन्होंने काफी अच्छा कर दिया इसको, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग आते हैं यहाँ पे कटिंग करवाने। देवराज तो सारा चेज करता था तेरा, ऐसा ना हो देवराज, ध्यान अंदर में तू गेम खेल रहा हुआ किधर, वैसे वो कटिंग करे झाड़ी के जे नहीं होते वे सब देख रहा था और भी हां अधिक दे मैं और रही वे वैसे ही ने तो आप तो नहीं खुले दूसरा काम आ खुले थे खुले नहीं मांगे देख बात मत और खुले मांगे तो 10 ही होने मेरा आईडी पकड़ लो बोला देखोगे सी पी कर दो ना होने नहीं है ये स्लिप एक दो बार तो थे गुरु आई नहीं पता आओ पूरे शिवनगर से लिया कुरकुरे कर करे ना माता भेज रहा नवरात्रे का गिफ्ट कितने हुए चालीस तो सारे हाँ ये तो सौ हाँ ये कितने एक हजार कितने रहे 10 ही रहे ना आशा के देते पहले इन्हें दे देना आशा किना के बाद दो दे हाँ मारा नोट बढ़ा 100 दे दे सही ना 10 रही के ना 10 मिनट आगे उठ रहे बाद कोई आऊंगा फिर कटिंग कराने ये दे दो ना सके वे सन तू 10 100 दे दे तू इना 50 दे दो सके 100 दे दो हां ए बता 10 दे एक किसानों की कटिंग अब लग रहा है ना हीरो है नहीं बढ़िया हो गया हाय कर लो हाय इसके बाल वैसे बड़े सुंदर पर जब यहाँ से निकलते हैं ना इसके बाल आते हैं तो बड़े गंदे से लगता है यहाँ से इसके बाल ना अजीब से हो जाते हैं वैसे इसके बाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हैं सुंदर भी है कटिंग करवा के वो भी ऊपर
ऊपर से कम बढ़ते हैं, मतलब हाँ, यहाँ से कम बढ़ते इसके बाद यहाँ से ज्यादा उतरते नीचे को, होना एक बार यहाँ करना पड़ना पहले इसका पूरा गंजा सिर करना पड़ेगा ना, सिर करना पड़ेगा उसके बाद सेट आएंगे। तो चलो अभी हम चलते हैं, निकलते हैं घर को, लेट हो गए। जय माता दी, राम राम, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं नहाई और मुझे अभी ना कपड़े धोने हैं, मैंने बाल भी धोए तो अभी मुझे ना कपड़े धोने हैं। पहले मैं बालों को लपेट लेती हूँ ऊपर टावल में, बहुत ठंड लग रही है, हमारे ना बहुत ठंड है और अप्रैल का महीना चल रहा है, कौन बोल सकता है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो सकती है, पर सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड है। थोड़े से कपड़े धोने हैं, ज्यादा तो नहीं। और उसके बाद फिर मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े, और थोड़े थोड़े अगर धो दें हम ना, आजकल खासकर गर्मियों में बहुत दिक्कत है पानी की, और पानी को हमें बचाना चाहिए जितना हो सके। चलो जो लगना है वो तो लगना ही है। तो आजकल मैंने बच्चों को भी बोला है सबको, मैं क्या, अब आप ना अपने कपड़े अपने आप धो दिया करो थोड़े थोड़े। और पता है हमारे कभी नहीं यहाँ पे पानी सूखता था, और किसी ने मुझे कहा था कि आप बोरवेल लगवा लो, भाई उसका खर्चा बहुत आता है, पर चलो धीरे धीरे जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे पॉसिबल होगा वैसे वैसे ज़रूर करेंगे। और आज मैंने पहले वीडियो डाली थी, शायद उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आया, नहीं आया होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ से मैं रिन से धो रही हूँ, रिन साबुन से। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, पर मजाल है बारिश हो जाए, इतना ख़राब मौसम हो रहा है सच्ची में। और ये है रिशु जो लेके आ रहा है पानी, हन्नी और शानू गए थे आज पार खेतों में अपनी गौशाला में, और वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा, पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या होगा आने वाले टाइम में। कल और परसों को बोला तो है फिर से कि बारिश होगी, और बहुत ज़रूरत है बारिश की सच्ची में। चलो गेहूं की फसल तो ख़राब हो गई, वो तो अभी होने से रही। और यहाँ पे आ गया है हन्नी मुझे चाय लेके, तो अभी मुझे आ गई है चाय और मैं पी लेती हूँ चाय, हन्नी बना के दिया आप लोग को पी लो, ठीक है। और ये ना ओ हाँ धो के मैंने, फिर बाद में मैं ना साफ पानी में निकालूंगी कपड़ों को। जैसे दोपहर ले जाकू तू ले की थी हमने, चल पूरे जाकू तू ले की। और ये है रिशु का, क्या ना, और रिशु से जिम्मू पता, बड़ा भारी फुर्तीला कुत्ता है पता है, बहुत शिकारी कुत्ता है ये, बस ना इसकी सब कुछ देते हैं इसको ये लोग ना, पर ये तगड़ा नहीं होता पा गया ऐसे। ये वो जो जो गया लिया ताले लिया थे, सुनते थोड़ी देर खेलना था तो मटाल टूरे पाने सुकने। चाय थनी ने बहुत अच्छी बनाई है, पहन रहा है तो कुत्ते रो, भगवान का भक्त होता है ये कुत्ता। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ साफ पानी में कपड़े, पता है वैसे तो मशीन भी है ना, पर आजकल पानी की ना प्रॉब्लम हो गई है। जब सर्दियों में होती थी ना बारिशें, सर्दियों में जो बारिश होती है तो तब निकलता है गर्मियों में पानी अच्छा खासा है ना, और इस बार सर्दियों में तो बारिश हुई नहीं, और हमारे भी जबकि यहाँ कभी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं, लेकिन यहाँ भी अब पानी की, तो पानी को बचाओ जितना हो सकता है ना, कम से कम यूज़ करो, अगर थोड़े में हो रहा है तो मशीन में तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन बिना मशीन के ऐसे हाथ से कपड़े धोने में ना पानी कम खर्च होता है, इसलिए आजकल हम ना थोड़े थोड़े कपड़े हाथों से ही धो देते हैं। एक दिन हन्नी ने धोए थे मशीन में, तो इनको तो आते नहीं, बच्चों बच्चे ये करते हैं धोते हुए हाथों से। ये देखो पानी का मतलब
कहते थे ना कि जे मुँह जो हेलो कर लो, सबको हेलो कर लो, चार दोस्त के ये खाओ भी है छोड़ा भी, चल जाओ जाओ खेलो भी, चल जाओ जाओ। और यहाँ पे मैं कपड़े सूखने डालने लगी हूँ आज निचली वाली ग्रिल में। हवा बोलो तो इतनी ज़्यादा हवा है, पता बारिश हो भी जाती है, अगर ये हवा ना होती ना तो बारिश हो जाती है, अब गुम जैसा मौसम होता है। तो इसलिए आज की वीडियो का मेरा पहला तो यही संदेश है कि पानी का प्लीज़ सोच समझ के उपयोग करें, और पानी बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत ज़रूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के जीने के लिए, खाना पानी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और यहाँ पे फिर थोड़े से कपड़े ये बच गए थे, और अभी बाल मेरे सूखे नहीं थे तो इनको भी मैं यहाँ पे डाल लूँगी। और मशीन ना बहुत पानी लेती है, बाकी अगर किसी का जन्मदिन होगा आज या किसी का बर्थडे होगा तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि डेट मुझे याद नहीं रहती, कमेंट बहुत नीचे चले जाते हैं, लोग दो तीन तीन दिन पहले कमेंट करते हैं ना तो वो फिर बहुत उसमें चले जाते हैं नीचे। तो आप सभी सभी को जन्मदिन की या एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं, और अपना ध्यान रखिएगा और बस अच्छा करिए भाई, और जितना हो सकता है, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ ही है, हर पल हमारे साथ है, सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा बुरा हम जो भी करते हैं उनको सब कुछ पता है, हर चीज़ का पता है। तो बस मैं यहाँ से निकल गई थी कपड़े डाल के, और फिर मैं जोजो के साथ लग गई थी परे खेलने, तो वो वाले क्लिप मैं आपको कल दिखाऊँगी। और पंछी आपको सुनाई दे रहे होने एडिट करते हुए, अभी मैं न्यू जो पार हमारी गौशाला है नहीं वहाँ पे हूँ। तो और लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और तो कोई बात नहीं है। बाकी आज मैंने ट्राईपोड ले आई हूँ मैं, और मैंने अब न्यू काउ शेड में रखा है ना, तो वहाँ से ऐसा होगा कि मतलब कौन वीडियो कौन बनाएगा, किसको बुलाऊंगी मैं, बच्चे कई बार घर पे होते हैं, और हमारा काम मोस्टली ख़त्म हो ही गया है, अभी पूरा टूर कराऊंगी फिर मैं आपको, जो हमने जाली वगैरह लगवाई खिड़कियां दरवाजे जो भी है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए उनको काम वालों को लगे हुए। तो चलो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी सी वीडियो में। और हाँ, किसी ने कहा था कि आपने बोला कि आप गाय दिखाएंगे, अब दिखाते तो हैं, तो भाई दिखाती हूँ मैं, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, गाय बच्ची सिया वृंदानंदा सभी को मैं रोज़ दिखाती हूँ,